जय श्री राम जी। राम राम भाई जी। हम पार्टी की तरफ से आए हैं, हमारी ड्यूटी लगाई गई है कि लोगों को घर घर जाकर अग्निपथ योजना के फायदे बताएं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं भी जानना चाह रहा था कि इस योजना के क्या क्या फायदे हैं। एक्चुअली मैं फौजी हूँ, छुट्टी आया हुआ हूँ। बहुत बढ़िया सर, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ जी बताओ क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो जी एक रोजगार है। एक मिनट, पहले जो हम पक्के फौजी भर्ती होते थे वो क्या था? जॉब जिहाद, वो भी तो रोजगार था। नहीं वो सर, मतलब आज के समय में कितनी बेरोजगारी है, अब आपके आसपास भी कितने बेरोजगार घूमते होंगे। मानो अब देखो 4 साल के लिए ही सही, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार तो मिलेगा भाई। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर देश के सारे बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है तो देश के सारे बेरोजगार अग्निवीर भर्ती हो जाते हैं तो। नहीं सर, सारे बेरोजगारों को तो रोजगार नहीं मिलेगा, वो तो उतनों को ही मिलेगा जितनों को अग्निवीर लगाया जाएगा। अग्निवीर कितनों को लगाया जाएगा? 40-50 हजार हर साल, जैसे इस बार 46 हजार अग्निवीर भर्ती होंगे। मतलब पहले जो 70-80 हजार परमानेंट फौजी हर साल भर्ती होते थे वो तो रोजगार नहीं था, अब मोदी सरकार ने सिर्फ 4 साल के लिए 40-50 हजार अग्निवीर भर्ती होंगे, उससे देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। वाह बहुत फायदे हैं भाई इस योजना के तो। लेकिन सर इन अग्निवीरों को अच्छी अच्छी स्किल भी तो सिखाई जाएंगी। नहीं, जो पहले फौजी भर्ती होते थे उनको नहीं सिखाई जाती थी कोई स्किल, वो क्या हाथ से गोलियां फेंक फेंक के मारते थे। मतलब सर सेना की स्किल पाकर तो उनको कहीं भी पक्की नौकरी मिल जाएगी। कहीं भी नौकरी मिल जाएगी सिवाय सेना के, और जो सेना में 10-10, 15-15 साल की स्किल हासिल करके जवान रिटायर होते हैं उनको कितनी पक्की नौकरियां मिल गई पता है? सिर्फ 1.6, यानी 100 में से सिर्फ 1.5, यानी 2 भी पूरे नहीं, 1.6% पूर्व सैनिकों को ही रिटायरमेंट के बाद नौकरी देती आपकी सरकार। फिर भी सर आप सोचिए, 23 साल के एक युवा के पास एक्सपीरियंस होगा, रिटायरमेंट के बाद हाथ में 11 लाख रुपए होंगे। और पहले इसी 23 साल के जवान के पास अग्निवीर से ज्यादा पैसे होते थे, उसे अच्छी सैलरी होती थी, भत्ते और पेंशन होती थी, और हाँ एक पक्की नौकरी होती थी। सर आप तो ना एंटी मोदी लगते हो, आप देख लेना जब अग्निवीर की भर्ती होगी तो लाखों युवा लाइन में लगे होंगे और उनकी हाजिरी बता देगी कि अग्निवीर को युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है। तुम लोगों के सामने सिर्फ 4 साल की कच्ची भर्ती के लिए लाखों बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी, उसको देखकर भी खुशियां मनाओगे। अरे लाखों की तादाद में युवाओं का आना अग्निवीर का समर्थन नहीं, उनकी मजबूरी होगी। उनके सामने रास्ता ही क्या छोड़ा है मोदी ने? मोदी ने अगर रात को 8 बजे अचानक से नोटबंदी कर दी तो लोगों को एटीएम की लाइन के बाहर खड़ा होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे लोग नोटबंदी का समर्थन करने के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं। अभी पिछले दिनों हरियाणा के कोर्ट में चपरासी की एक कच्ची भर्ती निकली थी, पता है 17 हजार से ज्यादा युवा उनकी भीड़ चपरासी बनने के लिए पहुंच गई थी। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने बीए, बीटेक, एमए, एमफिल, पीएचडी तक की हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस भर्ती का समर्थन करने के लिए पहुंचे थे, ये उनकी मजबूरी थी, ये बेरोजगारी थी। चलो अगर फिर भी तुम लोगों को ये लगता है कि युवा अग्निवीर बनने के लिए मरे जा रहे हैं तो एक काम करो, एक नहीं 2 टाइप की भर्ती निकालो, एक ही दिन में युवाओं को उन भर्तियों के लिए बुलाओ, एक भर्ती अग्निवीर के लिए निकालो और दूसरी भर्ती पहले की तरह परमानेंट फौजी के लिए। फिर देखो ये नौजवान अग्निवीर वाली भर्ती के लिए आते हैं या परमानेंट फौजी वाली भर्ती के लिए जाते हैं, तब पता चलेगा मोदी की इस योजना की लोकप्रियता का।